मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बरवक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। पाकिस्तान फौज को हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा। पाकिस्तान फौज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं। फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। पीडीएम का रावलपिंडी आने का कोई जवाब नहीं। पिंडी आए तो उन्हें चाय पानी पिलाएंगे। फौज को सियासी मामलात में लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तखार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा किसी से कोई बैकडोर राबता नहीं, किसी को इलेक्शन पर शक है तो मुतलिका इदारों से रुजू करे। इल्जाम में हकीकत और वजन हो तो रद्दमल दिया जाता है। हम इन चीजों में मुलविस नहीं होना चाहते। जो काम है वो करेंगे। इंतजार फैलाने की कोशिशें नई नहीं, इंतजार फैलाने की कोशिश जहां से भी हो रही है मुकाम तक नहीं पहुंचेगी। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन और तरक्की हो। भारतीय फौज दानिस्ता तौर पर शहरी आबादी को निशाना बना रही है। DGISPR ने हकायक वाज़े कर दिए। कहा भारत के खिलाफ डिस इन्फो लैब के जरिए कई शवाहिद सामने आए। भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सबूत डोजियर की सूरत में दुनिया के सामने रखे। पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ बहादुरी से जंग लड़ी। मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने यह भी कहा किसी में मजाल नहीं पाक अफगान सरहद से बाढ़ उखाड़ सके। पाकिस्तानी कौम ने मुत्तहिद होकर तमाम चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला किया। मुल्क में मुख्तलिफ ऑपरेशन से दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। DGISPR कहते हैं कि मुल्क भर में 50% से ज़ायद सिक्योरिटी खतरात को रोका गया। कराची में दहशतगर्दी में 95% कमी आई। चैलेंजेस से निपटने के साथ साथ मुआशी सरगर्मियों को बहाल किया जा चुका। कोविड ने मुल्की मईशत को भी मुश्किल में डाला। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आर्मी चीफ रवा हफ्ते क्वेटा का दौरा करेंगे। जिस मुल्क का रेवेन्यू ना हो वो तरक्की कैसे करेगा। वजीर आजम इमरान खान का मुल्क के पहले फौरी डिजिटल अदायगी निज़ाम रास्त के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा 22 करोड़ अवाम में से सिर्फ 20 लाख अफराद टैक्स देते हैं। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करता है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा रास्त निज़ाम से सरमायाकारी को मजीद शफाफ बनाया जाएगा। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर समाअत। JUI ने ओपन बैलेट की मुखालफत कर दी। अदालत की JUI को तहरीरी जवाब जमा कराने की इजाजत। रजा रबानी की जाती हैसियत में जवाब जमा करवाने की इस्तेदा भी मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत जुबानी दलाइल नहीं सुनेगी, तहरीरी जवाब का ही जायजा लिया जाएगा। PDM का आज मालाकर्ण बटखेला में पावर शो। पिंडाल में अपोजिशन जमातों के कारकुनान की आमद जारी। मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और दीगर अपोजिशन रहनुमा खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो मर्दान से रैली के हमराज सखाकोट पहुंचे। कारकुनान से खिताब में कहा कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, हम सब मिलकर इन कठपुतलियों को भगाएंगे। महंगाई और करप्शन के खिलाफ रैली में शरीक होकर हमारा साथ दें। मरियम नवाज मसरूफियात के बायस जलसे में शरीक नहीं हो सकी। में नवाज शरीफ के किसी नेफ्यू ने कावे मुसावी को उसको रिश्वत देने की कोशिश की कि वो अपने क्लेम से दस्तबरदार हो जाए। क्या ये मुसावी का बयान दुरुस्त है? अगर नहीं है तो नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा बेहतरीन मौका है उसको सुई कर लें। और उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट रेट स्पिन है, यानी कि चीजों को ये घुमाने की कोशिश करते हैं अपने फेवर में। ब्रॉडशीट के सरबराह में नून लीग के रहनुमाओं को बेनकाब कर दिया। नवाज शरीफ ने कौम से मुसलसल झूठ बोले। माजी में गुजारा हो जाता था लेकिन अब झूठ पकड़े जाते हैं। मुशीरे दाखला व एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से निकाला गया, उन्हें वतन वापस लाने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। दो तरीकेकार पर काम हो रहा है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता है इसलिए केस में काफी जान है।
मरियम नवाज की जेर सदारत ज़मीनी इंतखाबात बारे जाती उम्रा में इजलास, गुजरांवाला और सियालकोट के ज़मीनी इंतखाबात बारे उमूर पर गौर। लीगी रहनुमा अहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ज़मीनी इंतखाबात इमरान खान की पॉलिसीज के खिलाफ रेफरेंडम साबित होंगे। हमारा वक्त गुजर गया, अब शहजाद अकबर और इमरान खान के इश्तिहारी होने का वक्त है। पीडीएम में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर इत्तफाक नहीं, ये जमातें सिर्फ इमरान खान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में गुफ्तगू, कहा आलमी बरादरी से डोजियर शेयर किया है ताकि भारत का चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज किया जा सके। नए अमरीकी सदर जो बाइडन के हल्फ उठाते ही अमरीकी इंतजामिया से राबता करेंगे। बाइडन पाकिस्तान और खत्ते से अच्छी तरह वाकिफ हैं, वो सदर ट्रंप से मुख्तलिफ साबित होंगे। पीडीएम की बेमकसद तहरीक अपनी मौत आप मर चुकी, मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तनकीद, कहा किसी को भी अफरा तफरी फैलाने की सियासत में दिलचस्पी नहीं। उधर वजीर आला पंजाब ने कोरोना से मुकम्मल सेहतियाबी के बाद बाकायदा हुकूमती जिम्मेदारियां संभाल ली। मोमिन खसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है, राजकुमारी शहजादा और मौलाना तारीखें देने के बाद अब हाथ मल रहे हैं, इनकी मनफी सियासत आर पार हो चुकी। पीटीआई ने ना अहली और नालायकी में सबको नॉकआउट कर दिया। इमरान खान कब तक अपनी नाकामी का मलबा दूसरों पर डालेंगे? वजीर इत्तला'आत सिंध नासिर हुसैन शाह बरस पड़े, कहा जिसको खान साहब ने कुछ भी नहीं रखना था वो अब दाखिली मामला संभाल रहा है। पीटीआई कुछ कर ले अब इनकी कंपनी चलने वाली नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब बोले, वफाकी हुकूमत वादे पूरे कर रही है ना आईनी तकाजे। सीसीआई के इजलास में भी झूठ बोला गया, अफसोस के खान साहब ने सूबों से मुशावरत के बगैर फैसले किए। महंगाई के सताए आवाम पर हुकूमत ने बिजली गिरा दी, बिजली की कीमतों में 1.06 रुपये फी यूनिट इजाफा, नेप्रा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सार्फीन पर 8 अरब 40 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक इसी माह सार्फीन के बिलों पर होगा। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 22 रुपए तक फी किलो महंगा कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। 2.5 हफ्ते कबल भी मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी 43 रुपए तक फी किलो महंगे हुए, मुख्तलिफ ब्रांड्स का कुकिंग ऑयल भी 17 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 32 अमवात, मजमुई तादाद 10,676 हो गई। कोरोना के मजीद 1,877 केसेस रिपोर्ट, मजमुई केसेस की तादाद 5,04,293 हो गई। फाल केसेस 35,246। वज़ीर आज़म के मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, पाकिस्तान अपनी वैक्सीन बनाने की कोशिश भी करेगा। लाहौर में जगह जगह गंदगी के ढेर, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई मुहिम में नाकामी के बाद हफ्तावार सफाई मुहिम का आगाज। शहर की शाहराहें साफ हैं जबकि गली कूचों में कूड़े के ढेर मौजूद, शहरियों की जानिब से जल्द कूड़ा उठाने का मुतालबा। पाकिस्तान में 2021 की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज, 5 रोज़ा मुहिम में 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे और विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम में 2,85,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर, पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में शदीद ठंड से मामलाती जिंदगी मुतासर। कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी की मौजूदा लहर 17 जनवरी तक जारी रह सकती है। We'll be right back.
वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर कस्टम हुकाम का एक्शन, मुल्क में गैर कानूनी पेट्रोल स्टेशन के खिलाफ काउंटर स्मगलिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन के पहले मरहले में पंजाब में 50 से ज्यादा गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया। मुबैना जिनसी हरासगी केस में मीशा शफी की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मंजूर। अली जफर और पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता नोटिस जारी। अदालत उज़्मा ने अपने इब्तदाई रिमार्क्स में कहा जो नुकात उठाए गए उनका जायजा लेना जरूरी है। केस को जिनसी हरासगी की तारीफ के लिए लिया गया नोटिस अज खुद नोटिस के साथ मुंसलिक कर दिया गया। अदाकारा वीना मलिक ने साबिक शौहर असद खटक के खिलाफ हत्या के इज्जत पर 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अदाकारा वीना मलिक ने मौकिफ अपनाया कि साबिक शौहर असद खटक ने मेरी जाती मालूमात सोशल मीडिया पर अपलोड करके मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचाया, जिससे उनके शोबिज इंडस्ट्री में कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो सकते हैं। सबसे पहले अहम खबर, पीटीएम का रावलपिंडी आने का कोई जवाब नहीं। अगर कोई रावलपिंडी आया तो उसको चाय पानी पिलाएंगे। डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उनकी जानिब से यह कहा गया कि पीडीएम का रावलपिंडी आने का कोई जवाब नहीं बनता। डीजीआईएसपीआर की जानिब से यह भी कहा गया कि अगर फिर भी कोई रावलपिंडी आता है तो उसको चाय पानी पिलाएंगे। डीजीआईएसपीआर की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहा गया कि इल्जाम में हकीकत और वजन हो तो रद्द अमल दिया जाता है। इसके साथ साथ बाबर इफ्तिखार ने कहा कि इंतजार फैलाने की कोशिश नई नहीं है। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया गया और कहा गया कि पिछली एक दहाई से इंतजार फैलाने की कोशिशों में तेजी आई है। मुझे उसकी कोई वजह नजर नहीं आती पिंडी आने की, और अगर फिट ऑल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। हुकूमत वक्त ने इलेक्शंस कराने का कहा, पाकिस्तान फौज ने अपनी पूरी जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो इलेक्शंस कराए। उसके बाद अगर किसी को उसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक है, कोई प्रॉब्लम है, तो पाकिस्तान के तमाम इदारे अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने ही उसके ऊपर फैसला करना है, उन्हीं को अप्रोच किया जाना चाहिए। फौज हुकूमत का एक ज़ैली इदारा है, और जो भी बातचीत इस ज़मन में की गई है, मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और उसको टैकल भी कर रही है। सो फौज को सियासी मामलात में ना आने की ज़रूरत है और ना ही सियासी मामलात में घसीटने की कोशिश करनी चाहिए। ना आपने रेफ़र किया कि कोई बैकडोर कॉन्टैक्ट कोई फौज का कोई है, एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज़ नो सच थिंग। मैंने जिस तरह कहा कि हम वी वांट टू स्टे आउट ऑफ इट एंड वी आर आउट ऑफ इट। भारत के खिलाफ डिस इन्फो लैब के जरिए कई शवाहिद सामने आए। डीजीआईएसपीआर की न्यूज ब्रीफिंग, उन्होंने कहा कि जाली एनजीओज के जरिए ये दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान मुखालिफ सेमिनार्स किए गए। भारत के खिलाफ डिस इन्फो लैब के जरिए कई शवाहिद सामने आए। डीजीआईएसपीआर की जानिब से ये कहा गया कि जाली एनजीओज के जरिए दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान मुखालिफ सेमिनार किए गए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की जानिब से कहा गया नेटवर्क में जाली एनजीओज और फेक मीडिया ग्रुप्स भी शामिल थे। जाली नेटवर्क को शरी दास्तो ग्रुप चला रहा था और ये कहा गया है डीजीआईएसपीआर की जानिब से। हिंदुस्तान के मजमू मजाइम हों या पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर की एप्लीकेशन, खतरात अंदरूनी हों या बैरूनी, हमने हमेशा एविडेंस और हकायक के ज़रिए उनकी निशानदही भी की और कामयाबी से मुकाबला भी किया। एक तरफ मशरकी सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान की शरंगेजियाँ जारी थीं, तो दूसरी जानब मगरबी सरहद पर कलदम दहशतगर्द तंजीमों, उनके जोड़ तोड़, इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद रियासत तमाम कौमी इदारों, अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सबसे अहम पाकिस्तानी अवाम ने मुत्तहिद होकर इन मुश्किलात का भरपूर मुकाबला किया।
पाक अफगान और पाक ईरान सरहद को महफूज बनाने के लिए मजबूत इकदाम किए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस के नतीजे में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल बहुत बेहतर। 2014 में क्राइम इंडेक्स में कराची दुनिया में छठे नंबर पर था। 2020 में इम्प्रूव होकर कराची दुनिया के क्राइम इंडेक्स में 103 नंबर पर आ चुका है। जिस मुल्क के पास रेवेन्यू ना हो वो तरक्की कैसे करेगा? मुल्क की तरक्की के लिए हमारे पास पैसा और वसाइल नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये कहा गया आज तकरीर से खिताब करते हुए कि जिस मुल्क के पास रेवेन्यू ना हो वो तरक्की कैसे करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि मुल्क की तरक्की के लिए हमारे पास पैसा और वसाइल नहीं है। उन्होंने मजीद क्या कहा आप भी सुनिए। क्योंकि हमारी 22 करोड़ की आबादी है लेकिन हम इसका पूरी तरह फ़ायदा नहीं उठा सकते और 20 लाख में से 70% टैक्स जो देते हैं वो सिर्फ 3000 पाकिस्तानी है। एक वो मुल्क जो आज से 50 साल पहले ये सबसे खत्ते में तेज़ी से आगे जा रहा था वो आगे नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है मुल्क को डेवलप करने के लिए। और जो अपने इंसान हैं इनके ऊपर वो जो पैसा खर्च करना चाहिए वो हम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मसला ये है कि इनफॉर्मल इकॉनमी बहुत बड़ी है और जब इनफॉर्मल इकॉनमी बड़ी हो तो ना आप टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं और ना ही मुल्क तरक्की कर सकता है। असल में मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।